पिछले साल मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद की कहानी तो आपको याद ही होगी, कैसे लोगों के हजारों लाखों के चालान काटे गए। अब राजधानी दिल्ली में एक और बदलाव किया गया है। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान का मौके पर ही भुगतान किया जा सकेगा। 1 सितंबर 2019 से दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग को मौके पर ही चालान का जुर्माना वसूलने का अधिकार मिल गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस बारे में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने के मामलों में जुर्माने की अधिकतम राशि ही वसूली जाएगी। लोग 3 मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में मौके पर ही चालान भुगत सकेंगे। अभी तक सारे चालान कोर्ट के हो रहे थे और कोर्ट पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन अब जो लोग मौके पर ही चालान का भुगतान करना चाहेंगे वे ऐसा कर सकेंगे। नए नियमों में बिना सीट बेल्ट, 2 पहिए वाहन पर 2 से ज्यादा लोगों के बैठने और बिना हेलमेट के चालान पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही नो हॉर्न जोन में हॉर्न बजाने पर 1,000 रुपए तथा गलत जगह पार्किंग करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नए नियम में कितना लगेगा जुर्माना? अतिरिक्त यात्री बैठाना 200 पर यात्री, खराब नंबर प्लेट 500 का जुर्माना, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, ओवर स्पीड बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 2,000 रुपए का जुर्माना, बिना इंश्योरेंस के दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 का जुर्माना, खतरनाक ड्राइविंग बिना RC के गाड़ी 5,000 का जुर्माना। इन मामलों में अब भी कोर्ट में होगा भुगतान। लाल बत्ती जंप करने पर, गलत ओवरटेकिंग पर, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर, नो हॉर्न जोन में हॉर्न बजाना, गलत जगह पार्किंग करना, प्रदूषण प्रमाण पत्र ना होने पर।